किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी, एक सेल्स मैनेजर की जो पिछले 2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए ऊपर वाले का थैंकफुल था। घर से निकलता था, ऊपर वाले को प्रणाम करके वापस पहुंचता था, प्रणाम करता था, आपने मुझे पहुंचा दिया घर पर। हर चीज़ के लिए ऊपर वाले की कृपा मानता था, इतना स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ में बुरा हो जाता था, उसे लगता था कि पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था, तनख्वाह बढ़ी नहीं थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि जॉब है वहाँ पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा आपको। उसने डेट बता दी थी, टाइम उसने बताया नहीं था कि मैं आपको कॉल करता हूँ, टाइम उसको पता नहीं था किस वक्त कॉल आएगा। तारीख जो थी वो आने को थी, अगले दिन उसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। बहुत एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया सुबह के लिए कि जल्दी जगूंगा, तैयार होकर फर्स्ट क्लास इंटरव्यू के लिए। उसने दिमाग में रख लिया क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या जवाब देने, सब कुछ। लेकिन अगली सुबह जब वो जगा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था, सुबह 5 बजे का, वो पता नहीं कब बजी 5, उसकी नींद खुली 7:30 बजे। वो लेट हो रहा था, उसे गुस्सा आने लगा कि पता ही नहीं चला अलार्म कब बज गया। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की, नीचे पहुंचा बिल्डिंग के, बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी। बाइक खराब हो चुकी थी, गुस्से में बाइक को वहीं खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया बाहर सड़क पर। ऑटो ढूंढने लगा, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था, बहुत गुस्से में था, जैसे जैसे काम कर रहा था एक्साइटेड था कि बस वो कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूट जाए, मैं कहीं और काम करूं। लंच होने को आया लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा, सुबह सुबह जल्दी निकला था तो टिफिन भूल गया था। कैंटीन में पहुंचा तो वहां पर ताला लगा था, कैंटीन बंद पड़ी थी। इसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है, आज का बेकार दिन है। कहीं से इसने सैंडविच ऑर्डर किया, खराब सा गंदा सा सैंडविच आया, आधा सा खाया फिर इसने फेंक दिया। ये सोच रहा था ऊपर वाला क्या कर रहा है, आज तो मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा है। शाम में तकरीबन 5:30-6 बजे इसके पास में कॉल आई, उसी जॉब के लिए जिसके लिए तलाश कर रहा था, बहुत दिनों से एक्साइटेड था। इंटरव्यू जो था उससे सवाल पूछने लगा, बात होने लगी, बीच में अचानक से फोन डिस्कनेक्ट हुआ। जिसने अपना फोन देखा तो फोन डेड पड़ा था, बंद हो गया था। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फोन को भी अभी खराब होना था। फाइनली दिन खत्म हुआ, शाम में जब घर जा रहा था सोच रहा था कि जाकर के आराम करूंगा, बहुत हो गया, पूरा दिन सर दर्द रहा मेरा। घर पहुंचा, खाना वाना खा करके बिस्तर पर पहुंचा और बिजली चली गई। अब इसका गुस्से का पारा और बढ़ गया कि ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूं, इतना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से गुस्से में पता नहीं कब इसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कह रहा था, आप क्या चाहते हैं मेरे साथ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना खराब था, अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफिन नहीं लेके गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया तो फोन बंद हो गया, घर आकर सोने लगा तो यहां पर बिजली चली गई, क्या चाहते हो आप। भगवान ने कहा, जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ, मैंने जानबूझ करके अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया, तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी, मैं चाहता था कि तू देरी से पहुंचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता, आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था, तुझे बीमार कर देता बहुत ज़्यादा। और वो जो कॉल आई थी ना जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा है कि मेरी बात नहीं हुई, वो एक नंबर का घोटालेबाज है, नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फ़ोन मैंने बंद करवा दिया। और ये जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है ना, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे, जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से इसकी नींद खुली और ये ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पलट के देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो आपको लगेगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ, आपके फायदे में हुआ। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए, बस यही इस कहानी से कहना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।